दोस्तों कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी आपके सामने मैं ये प्रमाण रख रहा हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दिखाया जा रहा है एक एक चीज सत्य है, और ये वीडियो वहीं के एक इंसान ने लिया। अगर कोई बाहर का लेता तो आप ये कह सकते थे कि हो सकता है उसने ये वीडियो धोखे से बनाई हो या किसी जगह पर एक काम के चलते हुए बनाई हो, पर ये वीडियो वहीं के इंसान ने ली है, इसलिए आप ये तो कह नहीं सकते कि ये वीडियो जो है गलत है, इसको जो है एडिट करके बनाया गया है। और दूसरी बात, ये वीडियो कहाँ की है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये वीडियो है बंगाल की, जहाँ पर इस टाइम ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। वहाँ पर हो क्या रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या दिखाया गया है। दोस्तों इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि जो वोटर जो है, जब इलेक्शन रूम जो है जहाँ पर वोट डाले जाते हैं उसके अंदर जब ये लोग जाते हैं तो इनसे जबरन वोट पड़वाया जाता है। ये अपनी मर्जी से मतदान नहीं करते, इनकी मर्जी का मतदान नहीं होता, इनको बस अंदर बुलाया जाता है, फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है और बटन बोलो खुद दबाते हैं। आप लोगों के सामने है, ये एक बंदा वहीं पे खड़ा होता है, वो देखता है कि इसने किसको वोट दिया है, और उसके बाद में वो बंदा, अगर आप किसी और को वोट दे रहे हैं तो वो बंदा बाहर जाकर गुंडों से कहेगा और गुंडे आकर आपको ही मारेंगे, आपकी धुलाई करेंगे। तो इस तरह से ये पूरी कहानी चलती है। यहाँ पर अराजकता इस लेवल की पहुंच गई है कि वहां पर अगर आपने उस सरकार के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया, उल्टा सीधा तो छोड़िए, अगर आपने उसके खिलाफ आवाज भी उठा दी तो आप जिंदा जला दिए जाएंगे, जिंदा मार दिए जाएंगे। और इसका सबूत बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो पिछले ही साल में जब ये इलेक्शन हो रहे थे तब उनको बेरहमी से मार डाला गया, काट दिया गया, उनके खिलाफ कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि बीजेपी भी इसके बारे में कुछ कार्य करने के बारे में या उनके खिलाफ एक्शन लेने में असमर्थ है। पर फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार देखो, अगर एक बंदा कहेगा असमर्थ हो सकता है, दो बंदे कहेंगे असमर्थ हो सकते हैं, पर पूरी की पूरी अगर देश कहेगा तो असमर्थता गई तेल लेने, कोई भी असमर्थ नहीं रहेगा यार। बस हम लोगों को करना क्या है कि मिलकर आवाज उठानी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन लोगों को भी पता चले कि बंगाल में किस तरह से अराजकता फैली हुई है, किस तरह से वहां के लोग मनमानी कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा वहां के लोग मनमानी नहीं कर रहे, वहां की राजनीति पार्टी जो TMC है, तृणमूल कांग्रेस जो है, वो मनमानी कर रही है, और उसी की वजह से आज ये दिन वहां के लोगों को देखना पड़ रहा है। वहां की गरीबी आप जानते हैं, बांग्लादेशी आधे से ज्यादा वहां पर बांग्लादेशी भरा हुआ है, जो वहां की जनता को वो उसका हक नहीं मिल रहा है और बांग्लादेशी ले रहे हैं उस चीज को। मान लीजिए अगर सरकार कोई भी जो है स्कीम निकालती है या कोई भी योजना निकालती है तो उसका जो फायदा है वो बांग्लादेशियों को मिलता है जो वहां पर धोखे से रहते हैं, घुसपैठी बनाकर जो रहते हैं, और उन लोगों को नहीं मिलता जो वहां के नागरिक है। और इसी पर बीजेपी सरकार NRC लाई थी, पर इसका विरोध ना कि केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में हुआ, जबकि भारत में तो घुसपैठी कुछ ही जगह पे है जैसे असम है, और इन लोगों की बाद में बात करेंगे, पर पहले बांग्लादेश की बात करते थे। वहां पर के अलावा दिल्ली में बैठे हुए लोग शाहीन बाग में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बंगाल में सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेशी है। अरे तुम क्यों मर रहे हो, तुम्हारा क्या फायदा है इसमें? ये पूरी सोची समझी साजिश है जिसका खुलासा आपके सामने हुआ है। दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।